गोरखपुर जिला फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जनपद की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतिदिन 2 मैच हो रहा है और जो टीम नॉकआउट दौर जीतेगी उसके बाद वो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। 22 सितंबर को फाइनल मैच सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में खेला जाएगा। मंगलवार को सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग के 6वें दिन 2 टीमों ने भाग लिया, जिसमें FC गोरखपुर और सद्भावना क्लब गोरखपुर के बीच मैच हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ी शुरू से ही आक्रामक खेल खेलते रहे और पहले हाफ में एक एक गोल कर बराबरी पर रहे, लेकिन पहले हाफ के ब्रेक के बाद दोबारा दोनों टीमें मैदान पर उतरी और एक दूसरे पर बढ़त बनाने पर लगातार गोल करने का प्रयास करते नजर आए, लेकिन गोलकीपर के डिफेंस को भेद पाने में नाकाम रहे और मैच ड्रा हो गया। फुटबॉल मैच देखने के लिए सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में फुटबॉल खिलाड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। इस अवसर पर गौरव पुनी से बात करते हुए जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने कहा, पाँच छह दिन चलेगा। अरे बॉल घूम जा। मेरा नाम हमजा खान, फुटबॉल सेक्रेटरी गोरखपुर। ये ज़िला फुटबॉल लीग गोरखपुर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में आयोजित है, जो उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ से संबद्ध है। और गोरखपुर फुटबॉल लीग में 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिनको 4 समूहों में बांटकर डिस्ट्रिक्ट लीग कराई जा रही है। और प्रत्येक टीम को लीग 17 तक ये होगी, 4 ग्रुप में बांट के खेला जा रहा है प्रत्येक मैच। आज का मैच सद्भावना और गोरखपुर FC सिटी के बीच हुआ, जो 1-1 ड्रॉ पे ख़त्म हुआ। और डेली 2 मैच खेली जा रही हैं और ये 17 तक लीग दौर के मैच, 2-2 मैच प्रत्येक दिन खेले जाएंगे। उसके बाद 18 के बाद से नॉकआउट दौर शुरू होगा। सर फाइनल मैच 22 को है, नॉकआउट दौर ख़त्म होने के बाद ही सेमीफाइनल और देन फाइनल 22 तारीख को।